हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक हिट जफर। और गाइस, आज हम इस वीडियो में बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं ओप्पो रेनो 8 का। और मैंने इस पर काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ की, मतलब गेमिंग की, कॉल्स किया, वीडियो शूट किए, वीडियोस प्ले किए, वो भी नेट पे 4K वीडियोस। तो मैंने इस हिसाब से देखा कि हमारी जो ये ओप्पो रेनो 8 है वो कैसा बैकअप देगा, तो मैंने इसी ओप्पो रेनो 8 का बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है। अगर आप ओप्पो रेनो 8 का बैटरी ड्रेन टेस्ट देखना चाहते हो तो शुरू से लास्ट तक देखना, आपको किसी और वीडियो पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गाइज, देर नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे वीडियो पर। और गाइज, एक चीज़ और, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने बहुत टाइम लगा है, कम से कम 5-6 घंटे जितना भी किया काफ़ी टाइम लगा है इस वीडियो को बनाने में। और ड्रेन टेस्ट है तो 100 से 0 उसको ले जाना था, तो काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी मेहनत लगी। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइज, आ चुके हैं हम अपने फ़ोन पे, और ये ओप्पो रेनो 8 जो कि आप जानते ही हो, और इसी पे हम बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं। और काफ़ी सारे गेम्स, कॉल्स, वीडियोस, बहुत कुछ मैं इस पे करूँगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कितना बैटरी बैकअप हमको इसमें देखने को मिलता है। और अगर इसकी बात की जाए तो बैटरी 4500 mAh की है, जो कि काफ़ी सही है, बहुत अच्छा बैकअप इसका है, मुझे पता है। लेकिन मैं बैटरी टेस्ट आज आपके सामने वीडियो में करना चाहता हूँ, ताकि आपको भी पता चल सके कि कैसा इसमें बैटरी बैकअप हमको देखने को मिलता है, क्योंकि ये फ़ोन एक बहुत हाई परफॉर्मेंस का फ़ोन है, तो इसमें बैटरी ड्रेन टेस्ट तो करना बनता ही है। तो देर नहीं करते हैं, फटाफट चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं इसमें टेस्ट करने वाला हूँ BGMI, क्योंकि BGMI ही टेस्ट करना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बैटरी खाता है। तो इसलिए हम सबसे पहले BGMI टेस्ट करेंगे। आप देख सकते हो कि 100% बैटरी, और टाइम भी देख सकते हो, तो टाइमर भी लगा दिया है। बाकी हम 1 घंटे BGMI टेस्ट करेंगे, और ये BGMI 1 घंटे का जो होगा, आप आगे ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैंने उसको बहुत फास्ट किया हुआ है। तो आप देखो भी 1 घंटे के बाद हमारा बैटरी बैकअप कितना हुआ, या कितने परसेंट हमारी बैटरी डाउन हुई है। तो कर लेते हैं BGMI को ओपन, और देखते हैं हमारा BGMI कितने सेकंड में पहले तो ओपन होता है, क्योंकि ये भी देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर हम BGMI प्ले करेंगे, और आप देखते हैं कि BGMI कितना सेकंड लेता है इस गेम को ओपन करने में, क्योंकि ये भी एक बहुत ही ज़रूरी है जानना, क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से कितनी देर में ओपन होता है ये भी देखना हमको बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा कि ये 24 सेकंड में इसने गेम को ओपन कर दिया। मैंने 25 पे स्टॉप वॉच को जो रोका था वो 25 सेकंड में किया था, लेकिन वो 24 सेकंड में उसने गेम को ओपन कर दिया था, तो काफ़ी अच्छा है। मैंने पिछले बार भी जब टेस्ट किया था तब भी इतना ही आया था, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। और इसके बाद आपको दिखा देता हूँ कि बैटरी कितनी है। तो अभी बैटरी बिल्कुल 100% है, और 1 घंटे का गेमिंग हम इस फोन पे करने वाले हैं, वो भी फास्ट बिल्कुल। तो देख सकते हो कि मैंने गेमिंग स्टार्ट कर दी, और 1 घंटे के बाद हम देखेंगे आके वापस से कि इसने कितना बैटरी डाउन किया, या कितना बैटरी इसमें ख़त्म हुआ है इस गेम प्ले के बाद। तो गाइज, 1 घंटे हो चुके हैं हमारे गेम प्ले को, और अब हम देखते हैं कि हमारी इसमें कितनी बैटरी बची हुई है। तो सबसे पहले मैं गेम को काट देता हूं, उसके बाद अब हम देखेंगे बैटरी। तो आप देख सकते हो कि 77% हमारी बैटरी बची हुई है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी ठीक है। 77% बहुत होता है, और वो भी 1 घंटे गेम प्ले करने के बाद 77% बैटरी बचे, तो बहुत ही अच्छी बैटरी है इसकी, बहुत अच्छा बैकअप हमको देखने को मिल रहा है। तो 1 घंटे का हमारा गेम प्ले हो चुका है, और बैटरी बची है 77%। तो अब इसके बाद हम चेक करेंगे यूट्यूब पे, वीडियो चलाएंगे 1 घंटे तक 4K में, और देखेंगे कि हमारी ये तब 1 घंटे के बाद जब ये वीडियो प्ले हो जाएगी, उसके बाद हमको बैटरी हमारी क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं वीडियो में सेट कर देता हूँ 4K पे, और उसके बाद फिर हम इस वीडियो को चलाते हैं 1 घंटे, और इस वीडियो को भी हम फास्ट करेंगे, ताकि काफ़ी जल्दी हो जाए, और जल्दी से जल्दी ये हमको इसका रिजल्ट देखने को मिले, और आप भी बोर ना हो। वैसा वीडियो बनाए टाइम तो मैंने इसको 1 घंटे पूरा वीडियो बनाया, लेकिन आपके लिए एक एडवांटेज है कि मैं इस वीडियो को फास्ट कर सकता हूँ, ताकि आपका टाइम ना ख़राब हो। तो 1 घंटे हमारी वीडियो भी प्ले हो चुकी है, और इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारी बैटरी हमको क्या देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हो कि 62% हमारी बैटरी हो चुकी है, 77 से 62%। तो इस हिसाब से 15% बैटरी हमारी डाउन हुई है 1 घंटे वीडियो में। तो 1 घंटे वीडियो चली है, वो भी 4K पे नेट पर, तो 15% बैटरी खत्म हुई। तो एक हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी खत्म नहीं हुई है, बहुत अच्छा बैटरी बैकअप हमको देखने को मिला इस टेस्ट में भी, वीडियो के टेस्ट में भी। और गाइज, इस टेस्ट के बाद अगला टेस्ट जो हमारा होगा वो होगा, हम वीडियो शूट करेंगे 1/2 घंटे तक, और देखेंगे कि जब हमारी वीडियो शूट हो जाएगी 1/2 घंटे तक, तो उसके बाद हमारी बैटरी कितनी बचती है। तो सबसे पहले मैंने वीडियो को ऑन कर लिया है, और टाइमर भी सेट करके 0 रीसेट कर दिया है। बाकी वीडियो को ऑन कर लेते हैं, और इस पर भी फास्ट ही लगाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी रिजल्ट हमको मिल सके। तो वीडियो ऑन हो चुकी है, और अब देखते हैं 1/2 घंटे बाद हमको इसमें बैकअप क्या देखने को मिलेगा।
फाइनली वीडियो शूट के 30 मिनट हो चुके हैं और अब देखते हैं बैटरी। तो आप देख सकते हो 48% हमारी बैटरी अभी बची हुई है, जो कि 61 से मैंने स्टार्ट किया था वीडियो शूट करना और 48 पे हमारा 30 मिनट हो चुका है। तो इस हिसाब से 30 मिनट में हमारे फोन ने 13% बैटरी ड्रॉप किया है, जो कि 30 मिनट में 13% ठीक है, बहुत सही बैटरी है और बैकअप काफी अच्छा है। इसके बाद हम लोग आधे घंटे कॉल टेस्ट करेंगे, आधे घंटे तक फोन कॉल करेंगे और देखेंगे कि इस फोन कॉल पर हमारे आधे घंटे में क्या बैटरी हमारी गिरती है, क्या डाउन होती है। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फोन लगा दिया है, कॉल लगा दिया है और इसके बाद हम ये कॉल आधे घंटे तक कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद हम बैटरी का ड्रॉप देखेंगे कि हमारी बैटरी ने कितना परसेंटेज ड्रॉप किए हैं। तो कॉल टेस्ट के भी आधे घंटे हो चुके हैं और अब हमारी बैटरी बची हुई है वो है 39%, जो कि मैंने 48 पे स्टार्ट किया था कॉल और उसके बाद अब 39 बची। तो इस हिसाब से हमारे फ़ोन ने 9% बैटरी ड्रॉप किया है आधे घंटे फ़ोन कॉल पर। और अगर आप सिर्फ कॉल ही करते हो, ज़्यादातर आपका कॉल पर काम होता है, तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 7 से 8 घंटे का आपको कॉलिंग टाइम मिल सकता है, बैटरी बैकअप मिल सकता है, मतलब कि 7 से 8 घंटे आप कॉल कर सकते हो उस पर 100 से 0% तक। तो इस हिसाब से अगर फोन करना है तो बहुत अच्छा है और गेमिंग के लिए तो भाई है ही, वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। और अभी भी हमारी बैटरी 39% है, तो मैंने सोचा कि कुछ और गेम प्ले करते हैं। तो सबसे पहले मैं सबवे सर्फर खेलूंगा 15 मिनट तक, तो इसको खेलेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं गेम को ओपन करता हूं सबवे सर्फर और देखते हैं कि 15 मिनट के बाद हमको क्या बैटरी मिलती है। सबवे सर्फर का भी 15 मिनट का गेम प्ले हो चुका है और इसके बाद अभी भी हमारे फ़ोन में 36% बैटरी है, जो कि भाई बहुत अच्छा बैकअप ये फ़ोन दे रहा है। इतना अंदाज़ा मुझको नहीं था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा बैकअप ये फ़ोन अभी दे रहा है। इस 15 मिनट के गेम प्ले में इसने सिर्फ और सिर्फ 3% का बैटरी ड्रॉप किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इस गेम प्ले के बाद मैंने सोचा कि एंग्री बर्ड 2 भी खेल लेते हैं 15 मिनट तक, देखते हैं कि एंग्री बर्ड 2 खेलने के बाद हमारी बैटरी कितनी मिलती है। तो मैं सबसे पहले तो एंग्री बर्ड 2 को ओपन कर लेता हूं और इसका भी फास्ट वीडियो करूंगा ताकि बैटरी बैकअप को जल्दी जल्दी देखने को मिले। एंग्री बर्ड 2 को खेलते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और इसने अभी 4% ड्रॉप कर दिया है बैटरी, जो कि 15 मिनट में। और पिछले गेम में जब मैंने किया था सबवे सर्फर्स में 3% किया था, क्योंकि वो ऑफलाइन गेम था, लेकिन एंग्री बर्ड 2 ऑनलाइन गेम था, इसलिए हो सकता है 1% से ज़्यादा ड्रॉप किया है। वो कोई दिक्कत नहीं, बैटरी काफ़ी अच्छी अभी भी हमको देखने को मिल रही है। इसके बाद हम एक ऑनलाइन गेम और टेस्ट करेंगे जिसका नाम है फ्री फायर। इस गेम को फ्री फायर को भी हम 10 मिनट खेलेंगे और देखेंगे कि 10 मिनट बाद हमारी कितनी बैटरी बचती है, क्योंकि ये भी एक ऑनलाइन गेम है, इसलिए ये भी ज़्यादा ही बैटरी खाएगा, लेकिन इसका देखना है क्या बैटरी हमको देखने को मिलती है। तो 10 मिनट हो चुके हैं फ्री फायर को खेलते हुए और आप देख लेते हैं हमारी बैटरी कितनी ड्रॉप हुई या कितना परसेंट हमारी बैटरी इसमें बची हुई है। तो अगर मैं दिखाऊं तो अभी 29% हमारी बैटरी अभी भी बची हुई है फ्री फायर के 10 मिनट के गेमिंग के बाद भी। फ्री फायर ने भी 3% बैटरी ही ड्रॉप की है, क्योंकि ये ऑनलाइन गेम है और 10 मिनट चला है, तो 3% बैटरी ड्रॉप हुई है। तो इस हिसाब से काफ़ी सही है, 10 मिनट में 3% कुछ भी नहीं है। फ्री फायर के बाद भी हमारे पास 29% बैटरी बची हुई है, तो मैंने सोचा कि BGMI टेस्ट करते हैं, वो भी बिल्कुल हाई ग्राफिक्स पे। तो BGMI पे मैं इसको HDR अल्ट्रा पे खेलूंगा, बिल्कुल हाई ग्राफिक्स पे, और 20 मिनट तक खेलूंगा ताकि बैटरी और ड्रॉप हो, मैं देखूं कि क्या बैटरी इसके बाद ड्रॉप होती है। तो सबसे पहले मैंने कर लिया है ग्राफिक सेटिंग, जो कि अल्ट्रा HDR पे है, और गेम प्ले चालू करते हैं। BGMI को भी खेलते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, पूरे हो गए हैं, और अब देखते हैं कि हाई ग्राफिक्स पे खेलने के बाद क्या बैटरी का हाल हुआ है। देखते हैं कितना हमको बैटरी अभी मिल रही है। तो अभी देख सकते हो 19% बैटरी बची है, भाई बहुत ही तगड़ा बैकअप ये दे रहा है फ़ोन, मुझे इतना उम्मीद नहीं थी इससे, लेकिन इसने बहुत अच्छा बैकअप दिया है आज। तो गाइज अभी भी इसमें 18% बैटरी बची हुई है, तो मैंने सोचा कि कुछ और टेस्ट करते हैं, क्योंकि इसको आज जीरो करना है, देखते हैं कि जीरो पे कितना परसेंट तक बैकअप हमको देगा। तो अभी मैं इस पर यूट्यूब की वीडियो प्ले करूंगा, 15 मिनट और करता हूं 4K पे, तो देखते हैं कि उसके बाद हमको क्या देखने मिलता है, क्योंकि ये बैटरी लो होने का नाम ले रही है, ये बैटरी 0% भाई आने में बिल्कुल तैयार नहीं है। तो आप देखते हो कैसा बैकअप इसका मिल रहा है। तो अभी मैं यूट्यूब पे 4K में वीडियो चलाऊंगा 15 मिनट, तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। दोबारा वीडियो प्ले किया और 15 मिनट हो चुके हैं 4K पर, अभी भी इसकी बैटरी 13% है। और इसके बाद मैंने सोचा कि वीडियो शूट करते हैं जब तक ये करेंगे, जब तक ये फ़ोन डेड नहीं होता, 0% नहीं होता, क्योंकि अभी इसका बैटरी जो है परसेंटेज में वो है 13%, और वीडियो तब तक शूट करूंगा जब तक ये जीरो नहीं हो जाता। तो देखते हैं कि अभी कितना टाइम और लेता है।
तो गाइज 21 मिनट 48 सेकंड तक इस पे वीडियो बनी और उसके बाद ये वीडियो रुक गई है, वीडियो नहीं बन रही। और अगर बैटरी दिखाऊं तो वो हो गया है 1%। तो इसने 21 मिनट 48 सेकंड तक 1% बैटरी पे इसने वीडियो बनाना बंद कर दिया। और अभी हम देखते हैं कि 1% बैटरी पे ये कितने देर तक स्क्रीन ऑन टाइम, मतलब कि स्क्रीन ऑन रहता है। तो 25 मिनट हो चुके हैं और देखते हैं कि ये कितनी देर तक इसमें अभी बैटरी बची रहती है 1% वाली। तो 31 मिनट 4 सेकंड पे ये फ़ोन बिल्कुल पूरा डेड हो चुका है। तो देख सकते हो कि फ़ोन बिल्कुल स्विच ऑफ हो गया, ये ऑन नहीं होगा। 31 मिनट 4 सेकंड तक इसने दोबारा से 13% से जो बैकअप था वो इसने दिया। तो इस हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बैकअप में काफ़ी अच्छा है। और जो इसने टोटल बैकअप दिया अगर मैं आपको बताऊँ तो जो है 5 घंटे 10 मिनट। और स्क्रीन ऑन टाइम आपको 5 घंटे 10 मिनट को उसमें बैकअप देखने को मिलता है, वो भी ये परमानेंट बैकअप नहीं है। मैंने इसमें काफ़ी हार्ड गेम प्ले किया है, काफ़ी हाई ग्राफिक्स पे खेला, तो इस हिसाब से 5 घंटे 10 मिनट का बैकअप मिल रहा है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो या आप गेमिंग करते हो जो भी करते हो तो इसमें मेरे हिसाब से 8 घंटे तक बैकअप बहुत आराम से जाएगा। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो आपको 8 घंटे से 10 घंटे का बैकअप मिल सकता है, वो भी बहुत ही आराम से। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो फिर गाइस मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।